दोस्तों, साइकिल का यूज तो हम सभी करते हैं और इन्वायरमेंट को पोल्यूशन फ्री बनाने के लिए इसका उपयोग आजकल कुछ ज्यादा ही होने लगा है। इन्हीं सभी कारणों को ध्यान में रखकर दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइकिल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिसमें आप आज देखने वाले हैं कि आखिरकार फैक्ट्री में बाइसिकल को कैसे बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले ऐसी नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और हाँ, उस घंटी को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लें। इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में सबसे पहले बाइसिकल के टूल्स को डिजाइन किया जाता है, जिसे हाईटेक एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग मशीनों द्वारा तैयार किया जाता है। इन टूल्स को मोल्डिंग मशीनों द्वारा शाइन एंड उचित शेप दिया जाता है, जैसा कि कंपनी के लिए सूटेबल होता है। बाइसिकल के इन पार्ट्स को तैयार करने के लिए मजबूत एल्यूमिनियम एंड हाई कॉस्टली फाइबर मटेरियल का यूज किया जाता है। अब सबसे पहले फैक्ट्री में इन पार्ट्स का यूज करके साइकिल की मजबूत बॉडी को तैयार किया जाता है, जिसके लिए वर्कर्स द्वारा हाथों से इन पार्ट्स को एक एक करके वेल्डेड मशीनों द्वारा अच्छी तरीके से वेल्ड किया जाता है। एक बार यह बॉडी तैयार हो जाती है तो एक्सपीरियंस व्यक्ति द्वारा इसकी जांच की जाती है। सब कुछ सही पाए जाने पर इन बॉडी को पेंटिंग रूम में भेज दिया जाता है। इस पेंटिंग रूम में जर्मन पेंटेड टेक्निक द्वारा इन साइकिल पर कलर को पेंट किया जाता है, जो कई सालों तक इस बॉडी को जंग लगने से बचाता है। अब इन पेंटेड बॉडी पर कंपनी के नेम की ब्रांडिंग कर दी जाती है। अगली प्रोसेसिंग में एक व्हील डिपार्टमेंट में इन बाइसिकल के पहियों को तैयार किया जाता है, जिन्हें बनाने के लिए सबसे पहले एक रोबोटिक मशीन में मेटल को बेंड किया जाता है। अब इन मेटल रिंग को एसिड के लिक्विड में डाला जाता है, जिससे इसके सरफेस पर प्रेजेंट सारी डस्ट हट जाती है। अब इन रिंग के कटे हुए पार्ट्स को वेल्डेड मशीन द्वारा जोड़कर इन्हें ब्लैक कलर के लिक्विड में डुबोया जाता है। इस प्रोसेस के बाद इन एल्यूमिनियम रिंग में कंप्यूटर ड्रिल मशीन द्वारा छेद किए जाते हैं, जिनमें की एल्यूमिनियम स्पोक्स यानी तानियों को फिट किया जाएगा। इस प्रोसेस के बाद इन स्पोक्स को मेटल रिंग के साथ अटैच कर दिया जाता है, जिन्हें अच्छी तरीके से स्क्रू से कस दिया जाता है। अब इस रिंग स्ट्रक्चर पर ट्यूब को असेंबल कर दिया जाता है और यह पहिया एकदम बनकर तैयार है। इस प्रोसेस के बाद एक असेंबली लाइन में इस बाइसिकल के सभी पार्ट्स को अटैच कर दिया जाता है। अब इन साइकिल्स की क्वालिटी चेकिंग के बाद इन्हें स्पेशल डिजाइन कार्टून्स में पैक कर दिया जाता है, ताकि ट्रांसपोर्ट के दौरान कोई पीस डैमेज ना हो। तो दोस्तों, इस तरह फैक्ट्री में बनाई जाती है बाइसिकल। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।